हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रूबल कौर। हम बात करेंगे जब न्यूबॉर्न बेबी ब्रेस्ट फीडिंग ना करे तो क्या करना चाहिए, मतलब जब बच्चा पैदा होता है और माँ का दूध नहीं पीता है तब क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी के बॉर्न होने के बाद नहीं बल्कि बच्चे के पैदा होने के पहले ही माँ को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। यानी कि जैसे आज क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। जब ये क्लासेस मतलब जब माँ प्रेग्नेंट होती है 7 या 8 मंथ में तो लैक्टेशन कंसल्टिंग उस टाइम सलाह देते हैं कि यानी कि माँ को दूध आने के लिए जो हार्मोन्स लगते हैं उसके लिए प्रिपरेशन कराते हैं, यानी कि माँ के लिए गुड न्यूट्रिशन क्या है, उनको क्या उस टाइम पर लेना चाहिए, क्या चीज़ें खाना चाहिए, कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मदर के लिए बहुत ज़बरदस्त डाइट है। वैसे होना तो ये चाहिए कि बेबी को बॉर्न होने से पहले ही माँ को रेडी रहना चाहिए कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना होती है, तो इसके लिए वो पहले से ही प्रिपरेशन कर लें। जब बेबी बॉर्न होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो या सिजेरियन डिलीवरी से हुआ हो, तब पहले 30 मिनट्स में ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है। तो मोस्टली डॉक्टर यही सलाह देते हैं, आपने देखा होगा कि पहले के 30 मिनट्स के मतलब 30 मिनट के अंदर ही बेबी को माँ का दूध पिलाना चाहिए। उस टाइम माँ के दूध में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, इसलिए न्यूबॉर्न बेबी को ये मिल्क देना बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम पर मतलब जब न्यूबॉर्न बेबी मतलब बच्चे के पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही माँ को भी मिल्क का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब माँ को भी तब दूध बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अगर सीज़र हो तब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, जिससे उसको लैचिंग बोलते हैं, यानी कि बच्चे को भी तब माँ का दूध पीना तब बच्चा माँ का दूध पीना चाहता है। जब बच्चा सोक करना चाहता है तब माँ के ब्रेन को स्टेमिनेशन मिलता है, वो स्टेमिनेशन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज़ होने से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। यानी कि जब हम शुरू में ही प्रोडक्शन शुरू करते हैं, यानी कि बेबी को दूध पिलाना शुरू करते हैं, तभी दूध बनना भी शुरू हो जाता है। तो माँ और बच्चे का दूध लेने का जो प्रोसीजर होता है वह जल्दी डेवलप होता है। बच्चे का दूध ना लेने की कॉमन रीज़न है माँ का ऑपोजिशन और अटैचमेंट बच्चे के लिए। ये अच्छा नहीं है कि बच्चा दूध ना ले रहा हो, इसलिए हर एक बच्चे के थ्रू जाना चाहिए, हर एक माँ को लैक्टेशन कंसल्ट से मुलाकात करना चाहिए, इसके साथ सेशन करना चाहिए। और जो हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं, जो बच्चे का पूरा माउथ ओपन रहना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पूरा एडिला बीच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया में हम लोग मतलब 99.9% माँ को बोलते हैं आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो उस बैरियर की वजह से ही मिल्क कम होता है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि ये दिमाग में आता है ना कि शायद बच्चा दूध इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि दूध ज़्यादा नहीं आ रहा, तो इस बात को अवॉइड करना चाहिए, ये एक साइकोलॉजिकल बात होती है। कुछ मदर्स को निपल फ्लैट होती हैं, कुछ इन्वर्टेड होती हैं। इसके लिए लैक्टेशन टीम के पास कुछ बेसिक प्रोसीजर भी होते हैं, इसके निपल्स मतलब उनकी हेल्प लेनी ज़रूरी होती है। यानी कि इन शॉर्ट बोलें तो पहले 30 मिनट्स में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराना है बच्चों को। तो जब बच्चा रोता है तब इमीडिएट मतलब बच्चे को फौरन ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। बच्चे का अटैचमेंट्स सही तरह से कराने के लिए लैक्टेशन टीम से सही से सीखना चाहिए।
और जिन मदर्स को फ्लैट निपल्स होते हैं या इन्वर्टेड निपल्स होते हैं, सीरीज टेक्निक से उनको, मतलब सीरीज टेक्निक की हेल्प से माँ का दूध बच्चे को एक्सप्रेस करके देना चाहिए। जितनी बार माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर ज़्यादा कराएगी, उतना ही बच्चा ज़्यादा सक करेगा, उतनी ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अब हम आपको बोलते हैं ये जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है, बच्चा दूध नहीं ले रहा है, ये प्रॉब्लम प्रिवेंशन करके हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ऐसी कोई माँ नहीं होती जिसको दूध नहीं आता, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो दूध नहीं पीता, जिसको दूध नहीं पीना आता, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता। तो बर्थ मतलब वही बच्चे दूध नहीं पीते जो प्रीमिच्योर होते हैं, क्योंकि उनका वेट बहुत कम होता है, वो मुंह ठीक से चला नहीं पाते, या फिर वो बच्चे जो बर्थ से ही मतलब लो वेट जिनका होता है, वो बच्चे भी मतलब उनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा आसानी से दूध नहीं पी पाते माँ का। यानी कि इंडिया में डॉक्टर हर एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मतलब माँ का दूध पिलाने की सलाह देते हैं, और हर एक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से ले सकता है। दूध कम आने के बाद कभी कभी रेयरली हम लोग माँ का दूध एक्सप्रेस करके वाटी चम्मच से मतलब बोलते हैं ना, ये दूसरी टेक्निक है। जब माँ और बच्चा 3 या 4 बार पहली बार हफ्ते में ही ट्राई करके भी दूध नहीं ले रहा होता है, तो उसको दूध एक्सप्रेस करके वाटी क्लीन करके इजी होता है, और वो ही दूध वाटी चम्मच से आप डिमांड फीडिंग, यानी कि जब बच्चा रोए तब वाटी चम्मच से उस बच्चे को दूध पिलाएं। माँ का दूध नहीं आए अगर ऐसा करने के बाद, तो इंडिया में रेयरली मिल्क बैंक का दूध सजेस्ट करते हैं, लेकिन मिल्क बैंक का दूध बच्चे के लिए कम मिलता है, इसलिए वह अवेलेबल नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन हम लोग नहीं करते हैं और करना नहीं चाहते हैं, वो 0.05 बच्चे को लग सकता है, वो फॉर्मूला मिल्क होता है। लेकिन डॉक्टर का सजेशन यही होता है कि सब बच्चे माँ का दूध लेते हैं, सारी माँ ब्रेस्ट मिल्क, सारी माँ को मतलब दूध भी आता है। माँ के दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इससे बच्चे को इम्यूनिटी पावर मिलती है। सबसे बेस्ट मिल्क जो होता है वह माँ का दूध होता है, और बच्चा अच्छा रहता है। तो माँ को अपने माइंड से ये बात निकाल देनी चाहिए कि हमको दूध कम आ रहा है और बच्चा दूध अच्छे से नहीं ले रहा है। हर एक बच्चा दूध बहुत अच्छे से लेता है। आप ये कैसे पहचानेंगे कि बच्चा दूध अच्छे से ले रहा है? वो इस तरह पहचानेंगे कि जब बच्चा दिन में 6 से 10 बार यूरिन करता है, यानी कि जब वो पेशाब करता है, तो समझें कि बच्चा बहुत अच्छे से दूध ले रहा है। बच्चा दूध अच्छे से ले रहा है ये भी एक सोल्यूशन है आपको पहचानने का। आपके पीडिशियन जैसे आप बोलेंगे वैसा भी आपको करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए बच्चे के लिए, और जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को बहुत ही फायदे होते हैं, ताकत मिलती है, बच्चा उसी टाइम अपनी माँ के दूध पर ही तो जी रहा होता है ना, तो इसलिए माँ को अपना दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। ये सिंपल सॉल्यूशन हम आपको बोलना चाहते थे। तो बताएं फ्रेंड्स, आपको कितना समझ आया, और हमारी क्लिप आपको कैसी लगी? हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस नई जानकारी के साथ आपको मिलें। थैंक यू फ्रेंड्स।